हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल हम आपको बता रहे हैं डॉग ग्रुप एंड फ्लोर पैनल के बारे में। डॉग बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर जो एक एरिया होता है ये डॉग एरिया बोलते हैं। ये जो ऊपर होता है ये इस तरीके से, ये टैब जो होते हैं ना, इनको डॉग एरिया बोलते हैं डॉकिंग करने के लिए। ये डॉग ग्रुप होता है। बेसिकली क्या होता है, जब कोई पैनल को आप चाहते हैं कि कहीं पर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसे हम डॉग पैनल बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट जब यहाँ से हम किसी पैनल को आप ऑन ऑफ हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया, इफेक्ट टाइप को हमने क्लोज कर दिया, यहाँ से क्लोज पैनल करेंगे तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। दोबारा से अब यहाँ जाएंगे, यहाँ से आप चाहेंगे तो उसको ओपन करने के लिए या लाने के लिए, तो अब यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट 5 ये करेंगे, दोबारा से यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ पर ये एक ग्रुप के अंदर है। यदि आप इन डॉग्स को आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो डॉग को ऐसे ड्रैग करके आप आराम से आगे पीछे कर सकते हैं, किसी सीक्वेंस में ले जा सकते हैं। यहाँ क्लिक करके इनको क्लोज पैनल भी कर सकते हैं क्लोज करने के लिए। अब समस्या क्या होती है, यदि आप चाहते हैं कि इसको, एक ऑप्शन और है अनडॉग पैनल। अनडॉग पैनल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ अनडॉग पैनल होता है, तो ये एक अलग से फ्लोट पैनल बन जाता है। इसको आप कहीं पर भी फ्लोट करा सकते हैं। ये होता है फ्लोट पैनल, ये होता है ग्रुप पैनल। फ्लोट पैनल आने के बाद यदि इसको आप कहीं पर किसी ग्रुप में ले जाना चाहते हैं तो आपको हर विंडो में 6 ड्रॉप जोन मिलते हैं। किसी भी विंडो में जब आप जाते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये कहीं भी इस फ्लोट पैनल को आप किसी विंडो में भी एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी विंडो देख लीजिए, आपको बेसिकली यहाँ पर आपको 5 दिखाई पड़ रहे हैं, आप सेंटर, लोअर, लेफ्ट एंड राइट, ये 5 हैं। और एक और एरिया होता है जहाँ पर आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, यहीं पर डॉग जोन एरिया में। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली 6 प्रकार से आप किसी भी विंडो में, फ्रेम में या किसी भी डॉकिंग ग्रुप में आप इसको 6 प्रकार से ले जा सकते हैं किसी फ्लोट पैनल को। यदि किसी को फ्लोट पैनल में करना है किसी भी ऑप्शन को, तो आप यहाँ राइट क्लिक करके इसको हम अनडॉक करेंगे तो ये फ्लोट पैनल में आ जाता है। फ्लोट पैनल में आने के बाद आप चाहें तो इसको किसी भी अन्य डॉग ग्रुप के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्ट करने के लिए इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, किस प्रकार एडजस्ट करेंगे और वो कैसे होगा, इस बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। होता क्या है कि आपके पास 6 ऑप्शन होते हैं कि आप किसी और विंडो में इसको ले जा सकते हैं। इसको हम चाहते हैं, फिलहाल हम डालते हैं टाइमलाइन में, ये देख रहे हैं। यदि यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो सीधे ये इसके साथ ही एडजस्ट हो जाएगा। इसको फिर हम अनडॉक करते हैं। यदि हम यहाँ पर इसको सेंटर में डालते हैं तो भी ये ऊपर ही टैब की तरीके से आ जाएगा। ऊपर करने से क्या होता है, आपको डिसाइड करना होता है किस सीक्वेंस में लेके आना है। जैसे ऊपर ले जाना तो इसे हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो ये यहीं पे आ जाएगा। यदि इसको हम उठा करके यहाँ डालेंगे, सेंटर में डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो टैब ऑलरेडी होंगे उसके बाद में आए। इस प्रकार यदि हम इसको लेफ्ट में डालते हैं तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में इंडिविजुअल एक पैनल आप में एडजस्ट हो जाए। इसी प्रकार यदि इसको हम राइट में डालते हैं तो ये राइट साइड में एक इंडिविजुअल पैनल एक तरीके से आ जाएगा आपके वर्क स्पेस में। अब हम इसको डाउन में जानेंगे तो डाउन में विंडो बन जाएगी इस तरीके से, और अप में करेंगे तो अप साइड में इसका एक अलग से विंडो बन जाएगी। इस प्रकार से किसी भी फ्लोटिंग पैनल को यदि आप डॉक करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, यदि अलग से विंडो के रूप में लाना चाहते हैं तो भी आपके सामने ऑप्शन है। तो आप 6 प्रकार से किसी भी फ्लोटिंग पैनल को किसी भी ग्रुप के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इन विंडो में किसी के साथ भी, चाहे वो आप प्रोजेक्ट हो, सोर्स मॉनिटर हो, प्रोग्राम मॉनिटर हो, टाइमलाइन हो, इन्फो विंडो हो, इन 5 विंडो में किसी भी फ्लोटिंग पैनल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस ड्रॉप करते समय ध्यान रखना होता है आप ड्रॉप कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। यदि आपको ऊपर पैनल में लेके आना तो सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और यहाँ ऊपर ये इस एरिया में ड्रॉप कर दीजिए तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। मतलब आप कहीं भी ऊपर ड्रॉप करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपका इफेक्ट कंट्रोल जो टैब है आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं इसमें सबसे लास्ट में आए तो इसको उठाते हैं फिर से सेंटर में डालेंगे तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। यही चीज़ यदि आप लेफ्ट में डाल देते हैं तो लेफ्ट से अलग एक पैनल बन जाएगा। राइट में डालेंगे तो इस विंडो में राइट में आ जाएगा। डाउन में डालेंगे तो डाउन में विंडो आ जाएगी, और इसको अप डालेंगे तो अप में आ जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से डॉग विंडो को आप किसी भी विंडो के रूप में किसी भी ग्रुप के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली फ्लोटिंग पैनल में बनाना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर अनडॉक करेंगे तो ये फ्लोटिंग पैनल की तरीके से आपका आ जाएगा। कहीं पर भी इसको रख सकते हैं,
इसका रिसाइज वगैरह करना हो तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए आपके सामने फ्लोटिंग पैनल के लिए आपके लिए क्लोज ऑप्शन यहीं पे दिया रहता है, कभी भी इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी पैनल को आप उसकी जो मेन विंडो जहाँ पर एडजस्ट है वहाँ से किसी अन्य विंडो में ले जाया जा सकता है, उस फ्लोटिंग पैनल के रूप में देखा जा सकता है, उसको क्लोज किया जा सकता है, उसको रिसाइज किया जा सकता है, सारे काम आप किसी भी पैनल के साथ कर सकते हैं। इट मीन्स आप किसी भी पैनल को किसी भी विंडो के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल विंडो के रूप में लाना तो भी आपके सामने ऑप्शन होता है उसको देखने के लिए। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।